हेलो जनाब एंड अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद 104.9 एफएम फोर पॉइंट थ्री वर योर वॉइस मैटर्स और मैं हूं आपके साथ उस्मान और जनाब आज हमारी प्रोग्राम में बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम स्टाक होम स्वीडन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रोफेसर एमरेटस हैं पोलिटिकल साइंस एट स्टाक यूनिवर्सिटी ऑथर हैं हिस्टोरियन एक्डीमियन और पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं इनकी तीन मशहूरमारूफ किताबें अब तक आ चुकी हैं पाकिस्तान द गैरजन स्टेट और इसके अलावा द पंजाब ब्लडियस्ट पार्टीशन और रिसेंटली जनाह के उनवान से उनकी एक नई किताब आई है जनाह हि सक्सेस फेलियर्स एंड द रोल इन हिस्ट्री तो जनाब आप हमें एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुन सकते हैं वन फोर पॉइंट नाइन एफ एम एच डी के ऊपर और साथ साथ रेडियो आज़ाद का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप इसको इस वक्त लाइव देख सकते हैं सो तो प्रोफेसर साहब असलम और बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का वालेकुम अस्सलाम उस्मान जी बहुत बड़ी मेहरबानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर हमारी हाँ जी बिल्कुल खुशकिस्मती है कि आज हमने आप आपने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि मैं आपको हम सब लोग आपको अपना बुज़ुर्ग समझते हैं तो बहुत कुछ आपसे सीखने का और समझने का मौका मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि अगला एक डेढ़ घंटा जो है इसमें हम बहुत से चीज़ें जो हैं वो आपसे सीख सकेंगे तो सर इससे पहले कि मैं हम लोग तारीख़ के औरक में अपने आप को गुम कर लें और माजी के किस्सों को छेड़ें मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तारीख जो है वो आपके लिए क्या है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के पिछली जो तीन चार दिहाइयाँ वो इस चीज़ की नज़र की हैं पढ़ने लिखने के किताबें लिखने के तो तारीख़ आपके लिए क्या है और ये जो आपका पूरा जर्नी रहा है इसको थोड़ा सा हमारे लिए बता सकें और तारीख को जानना आ, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है देखें तारीख जो है एक तो किताब पढ़ने से इंटरटेनमेंट है इंफॉर्मेशन है नॉलेज है लेकिन जब एक स्कॉलर एक पोलिटिकली एंगेज बंदा जो है वो हिस्ट्री पढ़ता है तो वो आज अपने प्रेजेंट को समझने के लिए आज के जो रूट्स हैं वो ढूंढते हैं अपने पास्ट में और उसकी बुनियाद पे कोशिश करता है कि शायद कोई विजडम आदमी गेन करे अबाउट द फ्यूचर तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये तो एक डीमार्केशन हम करते हैं ना अपनी कन्वीनियंस के लिए जिंदगी तो एक कंटिन्यूस फ्लो है ना जी जी तो हिस्ट्री उसी का हिस्सा है जो हिस्ट्री से अन अवेयर रहते हैं वो दोबारा <laughs> नुकसान भी उठाते हैं अपना ए, हिस्ट्री के जो लेसन हैं उससे लेकिन कुछ लोग लेसन जानते हुए भी उनका फायदा नहीं उठाते तो ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन वे ऑफ डीलिंग विद हिस्ट्री द पास्ट द प्रेजेंट द फ्यूचर उसका कोई एक पैटर्न नहीं है लेकिन विजडम यही है कि आप पास्ट में जो हुआ है उसको समझें ताकि अपने प्रेजेंट को अगर आप उसमें एंकर कहीं कर सके सही और और सर ये कोई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है एब्सोल्यूट या अल्टीमेट ट्रूथ क्योंकि खास तौर पे अभी जब आगे हम डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत से वेरिएशन हैं बहुत से वेरिएंट्स हैं यार किसी ने अपनी अपनी राय देने की कोशिश की है तो एक आम स्टूडेंट के लिए जो कि आ, uh, क्या कहना चाहिए कि चंद किताबें ही शायद जिंदगी में पढ़ सकता है तो उसके लिए ये किस तरह से वो प्रोसेस करे सारी चीज को कि क्या सच है क्या झूठ है और कि, किसमें कि कितनी अमेजिश है देखें जो जेनुन रिसर्चर है ना हुँ. कहीं भी हो वो यूनिवर्सिटी में गया हो या वो किसी एक गांव का एक स्टोरी टेलर हो हुँ. जो जेनुअन सर्चर है इंक्वायर है वो तो सच ही ढूंढे के लिए निकलता है ही वॉन्ट्स टू नो द दलूट ट्रूथ क्या ऐसी तलाश जो है वो एब्सुलट ट्रूथ तक आदमी को ले जाती है इसके ऊपर शायद थोड़ी सी हमें ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ेगी क्योंकि ऑल फैक्ट्स इन हैंड आर इम्पॉसिबल इंडिविजुअल लाइफ के मुतालिक भी और सोशल लाइफ के मुतालिक तो और भी ज्यादा लिहाजा जो भी फैक्ट्स इन हैंड्स हों जो भी एविडेंस हो उसको ऑनेस्टली बोल्डली ऑब्जेक्टिवली पेश करना ही इज अ स्टेप टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एब्सोलूट एब्सोलूट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कौन सा होगा ये तो सोशली आदमी डिसाइड करता है एक किताब आती है उसके बाद लोग एक और किताब पढ़ते हैं हुँ. दोनों को पढ़ने के बाद वो फिर फैसला करते हैं कि किस में ज्यादा वजन है स बिलीफ है उसमें फर्क ये वन इज डिपेंडेंट ऑन फेथ द अदर वन इज डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू करेक्शन ठीक तो सर इस, इसी बात से मुस्तार लेते हुए मैं आगे चलूंगा थोड़ा सा अपने आप को पीछे सत्तर पचहत्तर साल पीछे लेके जाते हैं क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है जो बहुत सा आपका जो रिसर्च जो का काम है वो पार्टीशन हिस्ट्री के ऊपर है तो मैं सबसे पहले बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि उस वक्त के बहुत से जो लोग थे कांग्रेस के नेहरू साहब अबू कलाम आज़ाद और ये तमाम एक ग्रुप था लोगों का आ, जो कि पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे बंटवारे के खिलाफ थे तो आपके नज़दीक ये इसकी वजह वजह क्या थी कि क्यों इतनी मुखालफत थी सारी चीज़ की देखें ये सारा हिंदुस्तान जो है ये सदियों से कभी एम्पायर के तौर पर आ, रूल किया गया है कब इस कभी इसमें किंगडम्स बनी लेकिन इसकी एक कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री है इसका एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस खास तौर पे मुग़ल पीरियड का जो आखिरी फेज है तब तक जो बातें हुई वो इल्म हमारे तक आसानी से मतलब मिर्जा गालिब की पोइट्री जो है उस दौर की जो लिखी हुई तसनीफ़ है दे आर वेरी रिसेंट वो कोई इतनी पुरानी नहीं है उसके बाद अंग्रेज दौर आता है और वो सारे सब कॉन्टिनेंट को जिस तरीके से इंटीग्रेट करता है एक नए स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम में ब्यूरोक्रेटिक स्टेट ऑर्डर में तो उसके बाद तो ये सारा हिंदुस्तान एक ही हो के विजी जो एक कलोनियल पावर थी उसके तरीके से इसको डील किया गया राइट right. तो ये कोई अजूबा बात नहीं है कि अगर आप एक कलेक्टिव विजडम में यानी आप तक वो पहुंचता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना डिवाइड करना ये कभी आपको अपील नहीं कर सकता तो इसके अंदर आपने जो नाम लिए हैं उसके अलावा आप देखें मुसलमानों के कई बड़े नाम जो हैं वो इसी पार्टीशन के खिलाफ थे फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एक तो अबुल कलाम आजाद है हाँ। फिर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी वो तो आपके शायद इलाके से वहाँ से आए और आ, आ, ये जो हुसैन अहमद मदनी और बेतहाशा लोग मैं आपको कई नाम और बता सकता हूँ शिबली नुमानी ने उस जमाने में जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था तब भी अपोज़ किया था तो यही नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने अपोज़ किया इसको और कई लोगों ने भी अपोज किया और right. और तो ऑन ड्यूरिंग फर्स्ट फेज अपोजिंग ऑल आइडियाज ऑफ ओपिनियन चेंज कर लिया बाकी चेंज किया इतना so, right. so, आपके नजदीक पाकिस्तान बनने के सबसे बड़े महारिकात क्या थे क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो प्रोसेस है वो इतनी जल्दी शायद एस्कोलेट हो गया जल्दी एस्केलेट करने की वजह तो यह है कि देखें 1936-37 तक तो जिना साहब एक पार्टी के और हिंदुस्तान के बड़े लीडरों में से थे इसमें कोई शक नहीं है बट ही वॉज वंग वन अमंग मैनी और मुस्लिम लीग जो है वो कोई तो बहस पार्टी नहीं थी वुड यू बिलीव इट के 1938 में सबसे पहले दफ्तर मुस्लिम लीग का लाहौर में खुरा है ये तो लोग अपने घर में लोग बुला लेते थे और वो मुस्लिम लीग होती थी सो मुस्लिम लीग वॉज एन एलीट पार्टी ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो कि ज्यादातर लैंडेड जेंट्री आप कह लें प्रोफेशनल्स कह लें लॉयर्स कह लें जो उसको रिप्रजेंट करते थे लेकिन 1937 में चंद तब्दीलियां आई इलेक्शन हुआ जो कॉम जो मुस्लिम लीग हार गई कांग्रेस ने जो तब जब फिर उस हार को मुस्लिम लीग के लिए एक चैलेंज बना दिया जिसको फिर जिना साहब ने हैंडल किया बाय सेंग और मैंने कोट किया अपने अली जिनाली किताब में ही टोल्ड द गवर्नर ऑफ ऑफ बॉम्बे दैट हैंस फोर्थ आई विल यूज कम्युनलिज्म यानी वन कम्युनिटी अगेंस्ट अ नदर टू राउज मुस्लिम सपोर्ट फॉर चैलेंजिंग द कांग्रेस क्लेम्स ये इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ऑल इज वेरीफाइबल प्रेजेंटेड इन द बुक उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है वर्ल्ड शुरू होती है तो कांग्रेस राइट और रोंग कहती है कि हम इस फैशिस्ट वॉर फैशिज्म के खिलाफ लड़ने को तब तैयार हैं कि अगर हम खुद आजाद हो hmm. यानी हम फ्रीडम की अगर बात करें और खुद एक कॉलोनी हो तो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स सो आप हमें आजाद करें एंड देन वी विल फ्रीली डिसाइड टू टेक पार्ट इन द वॉर नाउ आई थिंक लॉजिकली दिस इज अ साउंड आर्ग्यूमेंट लेकिन उस उस जमाने में शायद उनसे कैलकुलेट नहीं हो सका कि ये अंग्रेज की मूव क्या होगी hmm. अंग्रेजों ने उस जमाने पर कल्टिवेट किया मोहम्मद अली जिना को एंड आई कोट हिम

उनको कोट किया है कि हैड मिस्टर जिना नॉट सपोर्टेड अस होल्डिंग ऑन टू इंडिया मे हैव बीन वेरी डिफिकल्ट सो सो प्रमोटिंग जिना वाज इन आवर इंटरेस्ट ये एवरीथिंग इज वेर कोटेड राइट सो व्हाट मिस्ट्रीज लेफ्ट उसके बाद कांग्रेस की बेतहाशा एक दो और भी गलती है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी नाइनटीन में oh तीन साल आप जेल में बैठे रहे हैं टिल जून देखे ऑगस्ट 1942 से लेके जून 1947 तक 45 तक सॉरी अगर आप जेल में बैठे रहे और मुस्लिम लीग उस बाय दैट टाइम हैड बिकम द द द ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश एंड वर कल्टीवेटिंग द मुस्लिम लीग एंड जिना वाज डिमांडिंग के जंग के बाद मुसलमानों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए उन इलाकों में जहां पे वो मेजोरिटी में है दे वॉन्टेड सेपरेट स्टेट तो यहां से ये सारी जो है ना पार्टीशन की देखे आइडियाज़ तो बहुत पुराने हैं आप शाह वली को वो ले आए सर सैयद को कोट कर सकते हैं आप हिंदुओं के कई लीडर्स थे भाई परमानंत ऑफ मुल्तान को कोट कर सकते हैं लाला लाजपत राय को कर सकते हैं बट दोज आर वॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स जब एक पार्टी और एक मूवमेंट बनती है हुँ. और उसको फिर जो कलोनियल स्टेट है वो प्रमोट भी करती है तो वो एक सैलाब बन के आ गई ऐसे है सही तो सर आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग को फोर्टीज के अंदर इस वजह से ज्यादा सपोर्ट मिली क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का जंग में साथ देने की उन्होंने हाँ ये सारे झुक रहे हैं राइट तो ही इज फुलर ऑफ दिस बिल्कुल और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो 1940-23 का जो जो खिताब था हाँ, उससे एक, उस पे अगर आए आप डिटेल पे आए तो हुँ. वो सारी चीजें जो सोच थी अल्टीमेटली वो अपिटमाइज कर दी है बाय द ट्वेंटी थर्ड मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन लेकिन लोग भूल जाते हैं और मैंने देखा है पंजाबी में हम कहते हैं डंडी मारना हुँ. मेरे ख्याल से जो स्पीच जिना साहब की है ना 22 मार्च को मैराथन स्पीच उसको मैंने इन ग्रेट डिटेल एनालाइज किया वो सारी चीजें जो डायकोटोमाइज करती हैं हिंदू और मुसलमानों को hmm. ये डिफरेंसेस तो थे इन डिफरेंस को डिफरेंस को पोलिटिसाइज करना और उसके बुनियाद पे एक सेपरेट स्टेट डिमांड करना यह जिना साहब की आप कह सकते हैं इंटरवेंशन है इन विच इज सक्सीडेड एब्सोल्युटली बिल्कुल और सर मैं इस किताब की तरफ आना चाहूंगा मुझे रिसेंटली मौका मिला जबरदस्त शानदार किताब है ये तो इसके अंदर जो आपने एक मेरा ख्याल है कि एक, एक नया कॉन्प्ट है एटलीस्ट मेरे लिए जो गैरजन स्टेट का था कि एक तो आपने ये, ये, ये बताया कि जो कम्यूनिटी की बुनियादों पर उनको डिवाइड किया गया डाकॉटमी गई लेकिन ये, ये तो तोम का प्लान था लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरल जो बरतानिया की जो मिलिट्री स्टेबलिशमेंट थी उनके जहन में जो सारा फार्मूला चल रहा था जो कि आपने पिछले दो तीन चैप्टर्स में जो बताया उसको थोड़ा सा बता सकें कि ये गैरिजन स्टेट बफर स्टेट ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के सामने आ गया अच्छा ये मेरी अपनी रिसर्च है क्योंकि मैं तो हूँ बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मैं हिस्ट्री की तरफ इसलिए आया बिकॉज हिस्ट्री राइटिंग इन पाकिस्तान इज सो हैवीली यू नो सब्जेक्ट टू अ नेशनल नैरेटिव के जो हमारे हिस्टोरियंस हैं बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं दे आर गुड पीपल आई नो देम लेकिन वो आजादी से लिख नहीं सकते ऊपर से डायरेक्टिव आया या उन्होंने अपने आप पे सेल्फ सेंसरशिप कर ली है डोंट नो hmm. लेकिन इंडिया में कदरे आपने देखा होगा नेहरू पे गांधी पे पटेल पे समटाइम्स मोस्टली अनजस्ट चीजें भी लिखी जाती हैं लेकिन लोग लिखते हैं hmm. और उनका घर आके कोई जला नहीं देता उन्हें मार कोई नहीं देता पाकिस्तान में कोई डेर ही नहीं करता दैट इज वाई आई केम टू हिस्ट्री एंड आई केम

और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में मेजोरिटी में है इसलिए हम वहां पे अपनी मुस्लिम स्टेट्स बनाना चाहते हैं जहां पे हम अपना वे ऑफ लाइफ इस्लामिक बिलीफ और बाकी चीजें जो है आजादी के साथ आ, अचीव कर सकें रियलाइज कर सकें ठीक है? है अब आप इस क्वेश्चन को कहें कि अगर इस पे प्लेबिसाइट होता कि क्या ऑल इंडियंस वोट फॉर पाकिस्तान दिस वुड नेवर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव वर्सेज सेवेंटी फाइव तो वोट आप खुद ही काउंट कर लें सो इफ अ माइनॉरिटी एन इज इन अ इन टू कैन क्लेम अ सेपरेट सेपरेट स्टेट और द सेम प्रिंसिपल देन अपलाईज के उन जोन के अंदर जिन इलाकों में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो अगर चाहें कि हमें इस पाकिस्तान से जो मुसलमानों के लिए बन रहे हैं हम उससे आजाद होके हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नाइदर इधर मॉरली नो एथिकली नॉर लॉजिकलीर इज एनी जिना साहब ने कहा कि नहीं अगर प्लेबिसाइट होगा इन दो इलाकों में तो सिर्फ मुसलमान उस पर वोट करेंगे ना दैट लॉजिकल बेसिस फॉर इट यू कॉन्ट अप्लाई डबल स्टैंडर्ड्स और ये किसने कहा है कि हु वाज वेरी सिंपथेटिक टू द मुस्लिम लीग एंड जिना लॉर्ड वेवल माउंट बैटन को तो गालिए हम बाद में आके देते हैं ना दिस इज 1944 एनकरेजिंग गांधी उनको जेल में गांधी को निकाला सिर्फ uh -huh. आप जाके बात करें जिना साहब से कि कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाए ताकि ये जो झगड़ा हो रहा है सबको नजर आ रहा था कि दिस इज मूविंग टूवर्ड्स बिग क्लैश ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम कांग्रेस वॉन्टिंग यूनाइटेड इंडिया विद एन इफेक्टिव सेंटर एंड जिना साहब इन सिस्टिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट और पाकिस्तान तो इसको अगर पीसफुल अवॉइड किया जा सके तो ही रिलीज गांधी ओनली सो देट ही टॉक टू जिना और वो टॉक्स हुई हैं हर चौदह दफा या सत्रह दफा गांधी जी वेंट एंड मेट जिना साहब एट इज रेजिडेंट मालवार हिल पे बट दे फेल्ड

वेस्टर्न बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हिंदू मेजोरिटी थी ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम और हमारे यहां वेस्टर्न पंजाब के मुस्लिम मेजोरिटी और ईस्टर्न पंजाब के हिंदू सिख मेजोरिटी सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी स्लाइड थी द वर एंड सिक्स वर टुगेदर अप टू आई थिंक फोर्टी सेवन परसेंट सही जो सेंट्रल पंजाब बनते हैं ना ये लाहौर कह लें आप अमृतसर कह लें ये अला इलाका लेकिन रावल पिंडी चले जाए मुल्तान चले जाए उधर अम्बाला चले जाए तो वहां पे मेजोरिटीज जो है वो क्लियरली या हिंदुओं सिखों की हैं या मुसलमानों की है तो जब ये फिर पार्टीशन हुई हुँ. अच्छा यहाँ पे ये आपने बड़ा अच्छा सवाल आज किया एंड आई एम इन अ ग्रेट मूड टू डिस्कस विद यू क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस को समझाने की जरूरत है आई एम द ओनली वन हुज बीन एबल टू डू इट और दिस इज अ चैलेंज मुझे कोई इस पर चैलेंज करे जिना साहब का उस जमाने में जो रोल रहा है वो तो वर्किंग टूगेदर विद द ब्रिटिश था ना तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर अंग्रेज ब्यूरोसी की फॉरन उनके कॉलोनियल ऑफिस की सिंपथीज होंगी तो वो तो जिना साथ के साथ होनी चाहिए ना गांधी के साथ तो नहीं होनी चाहिए mm -hmm. सुभाष चंद्र बोस या आजाद या नेहरू के साथ तो नहीं होना चाहिए जो के उनको, उनके खिलाफ जा रहे थे गुडविल एक्वायर्ड एंड जिना वाज हेल्पिंग रिक्रूट सोल्जर्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन लार्ज नंबर तो ये एक सर्विस भी तो रेंडर कर रहे थे ना लेकिन जो अब ब्रिटिश थिंकिंग पे आ जाते हैं उसके बाद अमेरिकन एंड देन वी कम बैक टू के हुआ क्या ठीक है ब्रिटिश मिलिट्री अलेवेंटी मई 1946 ये आप जो है गैरजन सेट वाली किताब में भी चेक कर लें उसमें भी ये दिया हुआ है कोर्ट किया है मैंने और जेना वाली किताब में भी है वे दिस टास्क वाज गिवन टू द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सिस इन इन साउथ एशिया जनरल लेटर ऑन फील्ड मार्शल क्लॉर्ड ऑकनलैक ऑकनलैक सही उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा है जो मैंने वहां पर दी है फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान कंक्लूजन उनका ये है कि इफ वी डिवाइड इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया तो नेसेसरली द इंस्टिट्यूशन बी क्रिएटेड टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम कॉम्युनिज्म गेम तो चल रही थी 1833 के बाद सौ साल, साल से बिल्कुल और जब से 1917 का बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया तो वो तो डबली डेंजरस हो गया ना फॉर वेस्टर्न इंपीरियल

जब ये लिखा गया तो उसके साथ आप देखेंगे लिखा हुआ है ब्रिटिश आर्मी दिस वाज नॉट एन आइडिया शेयर्ड बाय एवरीवन पीपल बिलीव्ड के, so के, के मुसलमानों का एक मुल्क बनाया जाए और उसमें ईस्टर्न कमांड के जो हैड थे उनका नाम था सर फ्रांसिस टाकर लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टाकर उनकी किताब मैंने कोट की क्रिएट इन अल्जीरिया इन टू अरब डिजर्टा टर्की पर्शियन एंड नॉर्दर्न हिंदुस्तान आर्म्ड बाई इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड विथ ब्रिटिश साइंस ब्रिटिश साइंस इज Right. और वो कहते हैं कि अगर ये बना दिया जाए तो सोवियत यूनियन का जो थ्रस्ट है टूवर्ड्स साउथ एशिया उसको mm -hmm. वो रोकने के लिए हम एक फ्रंटलाइन स्टेट बना देंगे कुछ लोग उसे बफर कहते हैं कुछ लोग मैं उसे फ्रंटलाइन स्टेट समझता हूँ हूं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉम्यम से इफ दिस इज नॉट डन तो क्योंकि हिंदुज्म में कास्ट सिस्टम बड़ा इवल है तो कॉम्युनिज्म की जो है ना अपील सारे हिंदुस्तान में एकदम फैल जाएगी तो इसलिए पाकिस्तान बनाओ इस्लामिक आइडियोलॉजी से इसे तैयार करो और इसको इस्तेमाल करो अगेंस्ट सोवियत यूनियन देखे अफगान जिहाद बाद में हुआ ये प्लान तो अंग्रेजों की है ना तो आप मास्टर स्ट्रोक उनकी आप देखें अच्छा सर अब अब लेट मी नाउ एक्सप्लेन जी इसमें अगली कड़ी जरा वो सुन ले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्लीज प्लीज वो एक दफा ही हो जाए ना ताकि सारी आर्ग्यूमेंट मेरी आपको समझ आ जाए व्हाट इज द गैरिजन स्टेट ठीक है ना तो आ, उसके बाद जब आ, ये मूव्स होते नहीं तो मैंने फिर पूरा एक चैप्टर लिखा है जिना वाली किताब में इन Which the British are arguing, that Nehru and the Congress left is more dangerous. They cannot be relied upon. So, Jinnah and the Muslim League is more reliable as allies. And that is finally agreed in a memorandum, once again, a memorandum, mm -hmm. dated 12th of May 1947, as late as that, wow. in which the three heads of the British armed forces Air Force Navy and Army and uh, field Marshal Montgomery who led the you know yes second world war ke hero right and three four characters from the colonial office they met in London 12th of May 1947 mm -hmm. the first one is 11th may 1946 and that is only one man doing it mm -hmm. here all the heads,

पाकिस्तान एयरफील एंड मुस्लिम मैन पावर मुस्लिम मैन पावर मीन पाकिस्तान आर्मी ना तो ये भी मैंने दे दिया ये सारे ट्रांसफर ऑफ पावर जो है के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बारह के बारह है आप अगर देखें वो नीचे आपको वो सारे मिल जाएंगे आई हैव ऑल ऑफ देम आई स्पेंट अ फॉर्चून बाइंग दम एंड Whatever I say, you can verify from the original sources. Mm -hmm. so, so you can see uh, 360 or 180, I don't know which degree is applicable, a complete change in the British Army. Okay, mm -hmm. No, 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 we go for partition because Jinnah and Pakistan is our best bet. But now, before I respond to you, what is the garrison state? Mm -hmm what was happening at a higher level was that the british were still thinking in terms of a grand role in world politics as a great power not realizing that although they were on the winning side of the second world war they were smashed unki economy unki industry to destroy destroyed right or america was putting huge pressure roosevelt okay you फर्स्ट कॉलोनी दे वॉन्टेड टू बिकम फ्री वॉज इंडिया तो जिना साहब इन हालात में क्या करते हैं जो हमारे अम्बेसडर वहां बैठे हुए हैं ना हकानी उनके फादर इन लॉ अच्छा आ, उनको भेजा नाइनटीन फोर्टी सिक्स में गो एंड टेल द अमेरिकन के हमारा कल्चर यानी रिलीजन वाइज हम मिडल ईस्ट में हमारे हैं कनेक्शन hmm. हम आपके जो इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में वहां ऑयल था ना मिडल ईस्ट हम सर्व करेंगे एंड वी विल बी द फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट तो दिस इज 1946 बट व्हाट वाज द अमेरिकन पोजीशन दोनों वाली किताबें जो है वो ये थी कि नहीं पाकिस्तान जो है ये एक रिएक्शनरी स्टेट है मजहब पे बन रही है hmm. और इंडिया एक सेकुलर

ज डेमोक्रेटिक एंड सेक्यूलर वॉज द बेस्ट वे टू बैलेंस वॉज इमरजिंग इन एशिया ये सारी एंगल्स को एक पोलिटिकल साइंटिस्ट ही ला सकता था हिस्टोरियंस के बस की बात नहीं है इसीलिए वो <laughs> मुझसे घबराते भी बहुत है जेलिस uh, ही पता है स्कॉलर्स में बहुत हो जाती है मानने को कोई त्यार नहीं है कि आपने ये सारी चीजें समझा दी है so, ये जो होते हैं ना एकडेमिक्स इनका दिल भी बहुत छोटा होता है वॉट कैन यू डू लेकिन हम तो फकीर है ना हम तो फकीर हैं बुल्ले शाह है। के <laughs> तो मैंने ये सारी चीजें साबित कर दी हैं mm. अब व्हाट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर रेडक्लिफ लाइन ड्रॉस अगर पूरा पंजाब जिना साहब को मिल जाता तो ये बॉर्डर तो गुड़गांव पे बनता और गुड़गांव इज ओनली ट्वेल्व किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली राइट राइट तो पंजाबी में कहते हैं वक्त तो पै जाता ना इंडिया को कि ये तो हमारी गर्दन पे आके बैठ गए द द बॉर्डर ड्रॉन किलोमीटर फ्रॉम लाहौर एंड अबाउट सेम से गुजरा वाला ये सारे बीस पच्चीस किलोमीटर है तो सारा पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान इन अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगर इंडिया ब्रेक कर जाए इट ब्रेक्स इनटू टू सिंध के अंदर भी कोई इतनी पोजीशन अच्छी नहीं है आई थिंक हैदराबाद और ये कोई इतनी दूर नहीं है इंडियन बॉर्डर से बिल्कुल सो इन अ लैंड वॉर वी गॉट दिजाइल स्टेटी इंडिया और आपको एक और बत, बत, बता दूं ईस्ट पंजाब की डिफेंस तो के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे बल्कि जब कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने पूछा जिना साहब को कि अनलेस यू कन्विंस दैट

वरना कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लो तो इट वॉज नॉट समथिंग ही लाइक और ही वॉज वेटिंग फॉर दैट ओकेजन ही हैड नो चॉइस लेकिन उस पर अगर आप चाहेंगे तो बात कर लेंगे सो द स्टेट देन इफ दू वॉन्ट डिस्कशन आई कैन डू इट नाउ फॉर यू थ्योरेटिकली ये आइडिया आई क्विकली डू इट आई कैन अंडरस्टैंड सुनते सुनते लोग जो है ना उनके लिए आसान नहीं होता अगर वो एकेडमिक्स ना हो अब होता क्या है पाकिस्तान तो गया बंद दो उसके हिस्से हैं और एक पूरा ईस्ट पाकिस्तान के लिए आपके पास दो तीन बटालियन भी नहीं है यू नो इट वाज ऑल बंगाल राइफल्स जो वहां पे थे right. जितनी भी हमारी डिफेंस थी वो तो इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में लगाई हुई थी और उसमें वेपन्स कहाँ से अब आए हमारी तो इकोनमी जीरो थी हुँ. जितनी भी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत ही डिवेलप हुई थी वो तो कानपुर कैलकाटा उस उन इलाकों में हुई थी हमारे इलाके में तो कुछ नहीं, नहीं था हुआ, हुआ। एक कराची शहर था कॉस्मोपोलिटन टाइप और एक लाहौर बड़े शहर थे दैट वाज ऑल और लाहौर वाज विद इन द रेंज ऑफ इंडियन तोपों की रेंज में थी ये हालत था हाँ जी तो व्हाट डू यू डू यू देन कंटिन्यू लॉबिंग द अमेरिकन आर द न्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिस स्टार्टेड इन फोर्टी बिफोर पाकिस्तान केम टू और 51 में जाके इनकी बात तब सुननी वाशिंगटन में उन्होंने सुननी शुरू की जब नेहरू ने डिसाइड किया नॉन अलाइन मूवमेंट राइट तो 51 में इनको उन्होंने ये इन्होंने दो बिलियन मांगे थे उन्होंने लिखा कि इनको समझ नहीं आती कि डॉलर्स क्या दरख्तों पे उगते हैं खुदा की कसम ये मैंने वो, 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 अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स कोड की है दे गए टेन मिलियन विच इज पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ वी डिमांडिंग, लेकिन उसके बाद कोरियन वॉर हो गई और ये कोल्ड वॉर और तेज हो गई तो पाकिस्तान के फिर मिलिट्री पैक्स बने 1954 में 59 में जिसमें वी बिकेम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न थिंग और सिएटो और सेंटो भी हमने ज्वाइन कर लिया जो रीजनल पैक्स थे

तो गैर स्टेट देन इज अटेट अब वो एक और बात है फाइनली ये कोई आम गैर स्टेट नहीं थी गैरजन स्टेट तो अपने डर में रहती है hmm. हमें तो ये भी यकीन है ना कि हम हिंदुओं पर हमेशा हावी रहे हैं तो हमने उस गैरिजन स्टेट को जंग लॉन्च करने के लिए भी हमेशा ट्राई किया है इंडिया के साथ जितनी जगह हुई है हमने शुरू की है ना तो इट्स अ वेरी पिक्यूलियर गैरजन स्टेट जो जिहादी फलसफा भी है ना ये अमेरिकन को नहीं था पता कि इनको हम ट्रेन तो कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है फिफ्टी नाइन में कि ये जो आर्म्स हमसे ले रहे हैं ये कॉमिज्म के लड़ने के लिए नहीं है ये इंडिया को के साथ टक्कर के लिए है ये गैर किताब में लिखा हुआ है

गैरिजन स्टेट इन पंजाब जहां पे उसने ये आइडेंटिफाई किया कि अंग्रेजों ने जो ये थी ना थेरी ऑफ मार्शल रेसेस उसकी बुनियाद पे अमृतसर अम्बाला और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक तरफ से मुसलमान एक तरफ से अम्बाला के हिंदू जाट अमृतसर के इर्द गिर्द सिख जाट हुँ. और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ये जो होते हैं आ, राजे और अवान इनको आइडेंटिफाई किया क्योंकि इन इलाकों में एग्रीकल्चर वाज वेरी पुअर तो किसान जो है वो अगर नौकरी करेगा तो फौज की तरफ आएगा तो वहां पे मार्शल रेसेस की थ्योरी क्रिएट थ्योरी ले आए हुँ. और यहां से क्रूटमेंट अब मैंने कहा है कि तो हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डज इट बिकम स्टेट इनिटिकल साइंस पोजिशन उसका कॉन्सेप्ट है एन अमेरिकन स्कॉलर कॉल्ड हारल्ड लासवेल लासवेल इन 1937 द फर्स्ट टाइम और 38 एट रोड दिस आर्टिकल गैरिजन स्टेट मॉडल ये वो कहता है hmm. वो कहता है कि उसको हो क्या रहा था जैपनीज मिलिटेरिज्म वाज़ ऑन द राइज सोवियत यूनियन में कॉम्युनिज्म आ चुका था और जर्मनी में हिटलर वाज ऑन द राइज़ सो एवरीवेयर यू कुड सी द राइज ऑफ मिलिटरिज्मोइम लास्टवेल सेड के जो अगली जंग होगी ना वो टोटल वॉर होगी जिसमें सिविलियन और आर्म uh, फोर्सेस की जो डिस्टिंक्शन होती है ना पुरानी जंगों में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जंगें जो है ना सिविलियन वाला काम खत्म हो गया हुआ था बट मोर सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उसने कहा इन हालात में जो टोटल वॉर को के लिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी के इसके अंदर द स्पेशलिस्ट ऑन वायलेंस यानी द सोल्जर्स विल विल ऑफर के वी आर द बेस्ट गैरेंटर्स ऑफ नेशनल फ्रीडम नॉट पॉलिटिशियंस और वो फिर क्वालिफाई करेंगे इकोनमी को भी रन करने के लिए कल्चरल स्फीयर को भी रन करने के लिए एजुकेशनल स्फीयर को भी रन करने के लिए और मिलिट्री तो वो करेंगे और पॉलिटिक्स भी होगी कि अगर डेमोक्रेसी भी होगी hmm. तो दैट विल नॉट बी डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक सेंस इट वुड बी मोर लाइक शिमरल डेमोक्रेसी, यानी अपेयरेंस की डेमोक्रेसी होगी मैंने कहा ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में कैसे हासिल हो गई वॉट दे डू वॉज दे अलाइन दिल्व विद with uh, uh, the was... leading power in the west hmm. got all the arms and became the strongest most well-trained institution in pakistan so pakistan may last well ka tha highly industrialized societies may garrison state emerge in advanced democracies many say no this is possible even in our in the backyard of, of these यू नो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बाई बाई अलाइनिंग विद द वेस्ट यू गॉट ऑल द मॉडर्न ट्रेनिंग एजुकेशन और एक थ्योरी भी बनी थी 60s में कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर क्योंकि के बुर्जुआजी तो है नहीं यानी बिग मिडिल क्लास बिल बिग बिजनेस क्लास तो नहीं है राइट right. यहां की मोस्ट एजुकेटेड मोस्ट मॉडर्न सोच रखने वाले तो आर्मी है hmm. तो आर्मी अगर पावर में आ जाए तो वो अपने मुल्कों को मॉडर्नाइज करेगी और यूब खान की जो पीरियड है इट्स बेस्ड ऑन दैट आइडिया मॉडर्नाइजिंग डिक्टेटरशिप, ठीक है यहां पे हमजा अलवी का भी मैंने आइडिया लिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसमें स्टेट हमेशा पावरफुल रही है क्लासेस वीक रही है तो वो वो फिर स्टेट ने किसके साथ जाके रिश्ता बनाया वेस्ट के साथ बनाया और मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए बाय गेटिंग ऑल द मिलिट्री एड एंड इकोनॉमिक एड वो सारी इनके पास ही रही ना राइट सो स्टेट हिस्टोरिकली कंसेप्चुअली एंड थ्योरेटिकली वाई पाकिस्तानी लास्ट वेल्फ सस्पेक्टेड वुड बी पॉसिबल ओनली इन एन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये है मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वो उनका शेर याद आता तो... तो मर... है ना मुनी न्याजी का शौक पॉइंट पिक करना चाहूंगा जो आपने पहले बॉर्डर्स की बात की थी कि अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान के साथ चला जाता तो जो आपने बताई है तो जब बरतानिया पाकिस्तान को एक गैर स्टेट मिलिट्री स्टेट बना रहा था उसके सारे जेन में कहानी चल रही थी तो उन्होंने फिर जान बुझ के Uh, इस तरह की लकीर क्यों खींची कि जिससे पाकिस्तान हमेशा से एक हैंडीकैप हो जाएगा एक ख़तरा पाकिस्तान के ऊपर मंडलाता रहे क्योंकि वो तो चाहते थे कि आगे जाके मुल्क इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए पे उसकी वजह है कि ऑटोमन एम्पायर को तो उन्होंने ख़त्म किया था अंग्रेज मुसलमानों को इतना स्ट्रॉन्ग भी ना करो कि वो उनके लिए मुसीबत बन जाए एक तो ये सोच होगी कहीं ना कहीं लेकिन एक और भी सोच है कि सपोज यू गिव एवरी टू पाकिस्तान wouldn't india then be attracted to find the balance by going to the soviet union so mountbatten ko, maslan, yeah let's bring mountbatten to the story hmm. when mountbatten comes he's given one uh, overt and one covert uh, 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 kya kehte hai, brief the award hmm. is to transfer power to indians in a united or divided india

एंड कांग्रेस अग्रीड इन द फाइनल फाइनली कांग्रेस ने अग्री किया ना uh -huh. कि ठीक है अब आप कर दें तो जब ऑल पार्टीज एग्रीड ऑन द पार्टीशन और सिखों की डिमांड थी कि पंजाब डिवाइड करें वो भी हो गया और उधर से मुखर्जी uh, की और कांग्रेस की डिमांड थी आप बंगाल डिवाइड करें तो ऑल पार्टीज है कांग्रेस डेंट वॉन्ट इंडिया टू बी पार्टीशन बट दे एग्रीड टू ए पार्टीशन इंडिया We we didn't want to 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 give whole of Punjab and Bengal, but we had to agree to that. तो इस तरह ने अपने को देखा है ना सही पूरे इंडिया को अगर आप एलियनेट कर देंगे तो वो कहीं तो जाएंगे ना बैलेंस ऑफ पावर में तो इस तरह उन्होंने सियासत की है सही और सर इसके जो 47 के अंदर और इसके इर्द के जो सारी कम्युनल वायलेंस हुई है उसके बारे में भी आपने भी बड़ी तफसील से बात की और लिखा भी है कि अंग्रेज को तमाम चीजों का पता था उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी खासतौर पर अंदर जो रावलपिंडी के अंदर एक एक बड़ा जो वाकया था बिल्कुल बिल्कुल इस, इसके पीछे क्या क्या कहानी अगर इसको आप थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकें असल में बात यह है देन आई मेड असरशंस तो मसलन रावल पिंडी में मैंने दो तीन आ, वो दिए है एविडेंस एक सबसे बड़ा कि hmm. ये रावल पिंडी के गाँव जो है सेवरल हंड्रेड ओनली हंड्रेड वन आवर टू आवर्स फ्रॉम रावलपिंडी शहर hmm. उसमें ये राइटिंग शुरू हुई वन साइडेड मुसलमानों ने अटैक किया बेसिकली सिखों के गाँव में जहां पे हिंदू भी थे ठीक है छे की शाम को ये शुरू होता है और तेरा तक होता रहता है hmm. नोबडी कम्स टू तो स्टॉप द रटिंग सो समी मस्ट है एक मैंने डॉक्यूमेंट भी कोट किया है कि द ब्रिटिश है तो के हमारी यूरोपियन जो है ना ट्रुप्स या हमारी जो वहां ही इस्तेमाल होंगी जब यूरोपियन लाइव आर इन डेंजर अगर ये लड़ते हैं खुद तो इनको लड़ने तो अब ये लड़ ही रहे हैं ना दे कुंट एग्री ऑन एनी थिंग इफ दे रिजॉर्ट टू वायलेंस वॉट कैन बी डू ये ब्रिटिश था फिर गॉर्डन कॉलेज रावल पिंडी के प्रिंसिपल थे ख्वाजा मसूद मैंने वहां पर डेढ़ साल पढ़ाया भी है तो ख्वाजा साहब का फिर मैंने जब मैं ये रिसर्च कर रहा था आई मेट एन इंटरव्यू उन्होंने कहा मार्च में जब ये राइटिंग हुई ना शहर में तो बहुत अभी हिंदू और सिख हॉस्टल के अंदर थे तो हमारे जो प्रिंसिपल थे ही बोज एन अमेरिकन ही वेंट टू ब्रिटिश डेप्टी कमिश्नर सिंह के आप दो सोल्जर्स हमें पोस्ट कर दें कॉलेज के बाहर hmm. ताकि इस पे अटैक ना हो दी रिफ्यूज नाउ दैट्स समथिंग यू हैव टू कंसिडर राइट और ये नाइनटीन फोर्टी सेवन मार्च 1947 फोर्टी अच्छा। जिसकी बात हम कर रहे हैं ख्वाजा मसूद की बात मैंने बता दी आपको hmm. और मैंने दो सिख सिखों को दिल्ली में मिला उन्होंने कहा कि हमने खुद सुना है वो भी पुलिस में थे वो पुलिस मैन अपने पुलिस को कहते हुए कि अंग्रेजों ने कहा कि तीन दिन जो मर्जी कर लो चौथे दिन हमने नहीं होने देना तो शहर के अंदर उन्होंने चार चौथे दिन शायद पाबंदी लगा दी थी लेकिन जब ये गाँव में गए हैं और जहां पे सिखों का कत्ले आम हुआ है हुँ. वो तो इन्होंने एक हफ्ते होने दिया उसके बाद फिर ये ट्रक आए हैं रावल से और विदन फ्यू uh, आवर्स uh, सारी जो हो रही थी वो खत्म हो गई तो ये पहले भी खत्म कर सकते थे अब इन तीन चार चीजों को आप जरा मद्देनजर रखें और एविडेंस पाकिस्तान टाइम्स एक अखबार होता था लाहौर का जो अब नहीं निकलता उसके जो थे फोटोग्राफर एफ ई चौधरी साहब वो पंजाबी क्रिश्चियन थे उनका इंटरव्यू है उन्होंने कहा कि यहां पे एक होते थे मिस्टर सेवेच

सर गंगा राम उनकी ग्रैंड डॉटर ने वो शी वाज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स उन्होंने अरेंज किया था hmm. तो व्हाट वाज़ आई गोइंग टू टेल अबाउट आपकी आपकी जो किताब है पंजाब ब्लडियस पार्टीशन उसका रिसेप्शन हुआ हाँ रिसेप्शन हुआ तो उससे पहले मैंने जो कोशिश की कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स पंजाब में या हिंदुस्तान में पार्टीशन के दौरान पोस्टेड थे अगर उन वो जिंदा हों या उनकी फैमिलीज को कनेक्ट किया जाए तो उनकी चंद हैं वो फिर मेरे खाते जो पोस्ट ईमेल मेल गई तो कई आए भी उनमें से लोग उसको अटेंड करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स ही मैंने देखा है ज्यादातर वहां पे सर्व करते रहे हैं लेकिन एक लेडी का मुझे खाता आया मिसेस सैवेज का माय हस्बैंड वाज़ पोस्टेड इन पुलिस इन लाहौर इसने तो फिसाद कराए थे अब मैं क्या करूं दो दिन तक मैंने जवाब नहीं दिया तीसरे दिन फिर मैंने सच लिख दिया मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम लाइक ऑल अदर्स एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी

वो थे उनका एविडेंस है कि ये पुलिस टाउट्स किस तरह आए और इन्होंने वहां के एक बड़े नेक हिंदू थे ए, आ, पता नहीं समथिंग दास उनको जो कत्ल किया वो सारी स्टोरी बड़ी दर्दनाक है वो भी आप देख लें वहाँ पे सैयद खुर्शीद हुसैन आ, गर्देजी का भी इंटरव्यू है वो कहते हैं के समझ नहीं थी आती के कौन आके ये कतली आम कर जाता है कैसे होता है सम इनविजिबल हैंड वाज आल्सो ऑपरेटिंग तो मैंने वो सारा एविडेंस अपनी किताब में दे दिया लेकिन बात ये है कि ब्रिटिश जो ये डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये तो नहीं ना हमने लिखेंगे कि हमने ये करवाया और जिनाली में मैंने लिखा है कि उन्होंने जाते हुए हजारों अपने डॉक्यूमेंट जला दिए ये एविडेंस एक ब्रिटिश स्कॉलर ने दिया है आई uh, थिंक उसका नाम है वॉल्टर रीड उसकी hmm. किताब मैंने कोट की है ब्रिटिश British मेनी uh, many बिफोर before द the subcontinent। उसमें इस किस्म की रिपोर्ट होंगी जो वो नहीं थे चाहते पब्लिक में आए बंगाल right. right. की, की पार्टी है, दर दर है और आपके इसके ऊपर बहुत इसके ऊपर काम भी है तो इसके हवाले से थोड़ा समझा सके की जो पंजाब की खास तौर पर जो पार्टीशन हुई है कि वो कहते थे कि अगर आप तरह आपने पहले कहा कि इंडिया की हो रही है तो फिर सिखों ने कहा पंजाब की भी होगी फिर वो तहसील का मामला आ गया डिस्ट्रिक्ट का मामला आ गया फिर कहा जाता है कि गुरदासपुर की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है लेकिन वो उधर चली गई इसके पीछे थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन अगर आप करें तो हाँ जी जरूर वेरी नाइस यू टेक अप दिस इशू एज वेल सबसे पहले लेट मी लेटमी रीफॉर्मुलेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड सेकेंडली इवन बेंगाल उसकी वजह क्या है क्योंकि पार्टीशन के जो बॉर्डर बने हैं रेडक्लिफ वो तो इन दो प्रोविंस में ही बने हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली रीजन आई सेन मिलियन हिंदू मुस्लिम एंड फोर्टीन टू फिफ्टीन मिलियन कोई ट्वेल्व टू फोर्टीन मिलियन कहते हैं पीपल क्रॉसिंग द बॉर्डर फॉर सेफ And at that time, remember the total population of India was 390 million altogether. One million killed, 12 to 14, 15 million uh, crossing the border. Okay. Now look at the fatalities. How many people died in the Punjab? Punjab ki princely states or British districts milake population 30 34 million thi. जिसमें से कम से कम आठ लाख हिंदू मुसलमान और सिख मारे गए हैं। और मैंने वो ब्रेक डाउन किया है कि हाफ मिलियन मुस्लिम एंड अबाउट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड थाउजेंड हिंदूज एंड सिख्स वेस्ट पंजाब हमारे वाले पंजाब में वहां पे ज्यादा इसलिए मारे गए कि वहां की प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी फौजें इन्वॉल्व कर दी और वहां पे तो डेप्टी कमिश्नर के कनेक्शन ब्रिटिश जो थी वो सब थी नहीं ना hmm. तो प्रिंसली स्टेट्स में फिर वो गाजर मूली की तरह मारे गए लोग सो so, एक तो ये है ऑफ द थर्टी थ्री मिलियन थर्टी फोर मिलियन टेन मिलियन क्रॉस रेडक्लिफ लाइन तो एट्टी परसेंट ऑफ फैटिलिटीज एंड एटी परसेंट ऑफ पीपल हु क्रॉस्ड द बॉर्डर आर पंजाबीस बंगाल में फिर हुई लेकिन महात्मा गांधी की वजह से और सोरवर्दी धैनी केम्बलोंग उन्होंने 1947 में अमन रखा नोआखाली में ये हो चुका था कैलकाटा में वो ग्रेट कैलकाटा किलिंग अगस्त 46 में हो चुकी थी लेकिन 47 के अंदर महात्मा गांधी की वजह से वहां पे मुसलमानों का तो मैसकर हो रहा था वो पूरा एविडेंस मैंने दे दिया है एक तो फिल्म में भी है ना बट इट इज वेरीफाइबल वो उन्होंने बचा लिए सारे मुसलमान लेकिन फिफ्टीज में फिर वहां पे हिंदुओं पे अटैक शुरू हुए 1950 में और कोई दस हजार मार दिए उसकी वजह से फिर जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे वो क्या नाम था यार उनका जोगिंदर नाथ देन क्रॉस द बॉर्डर एंड सेड के यहाँ पे तो ना अपर क्लास हिंदू जिन अपना सेफ है ना मेरे जैसा दलित सेफ है सो वी कान लिव इन पाकिस्तान ये है स्टोरी सो दैट इज व्हाई आई से पार्टीशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल बट एक्चुअली ऑफ पंजाब एंड सेकंडली ऑफ बंगाल बंगाल में अगर कुछ लोग मारे भी गए हैं तो नो कंपेरिजन टू दैट ऑफ पंजाब उसकी वजह कि आर्मी के अंदर 1857 बंगालियों को वो लेते ही नहीं थे हुँ. तो यहाँ पे तो एक मिलियन सोल्जर हुआ हुआ था, आधे पागल हो गए होंगे जो गोलियां चलाते रहे होंगे और सो so, किलिंग जो इन्होंने फिर हिंदू मुसलमान इन्होंने एक दूसरे को की और उसमें सिखों ने की है हमारी तरफ इसलिए इतने लोग पंजाब में मारे गए सही. सर मैं आगे चलता हूँ वैसे बहुत इंटरेस्टिंग ये बातचीत है पार्टीशन के हवाले से अगर बात करते जाने कश्मीर की तो कश्मीर जो अच्छा। है एक तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ब्रीफली बता सकें और ये जो पिछले पूरे पिछहत्तर सालों में जो इसका ये एक केस चलता रहा तो आपके नजदीक एज एन हिस्टोरियन एज एन एकेडेमियन कश्मीर का मामला क्या है आया कि ये एक ह्यूमेटेरियन इशू है या ये जियो है या ये बस दो मुल्कों की ईगो है जो कि वो अभी तक अड़ी हुई है उस उस मामले के ऊपर तो इसको आप कैसे देखते हैं कश्मीर को हिस्टोरिकल में और कंटेम्प्रीपेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स यू सेड यानी ये चीजें बन के कश्मीर का इशू बनती है ना hmm. एक तो है कि कश्मीर के पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली ने ऐड कर दी थी तो तब से जो पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान पी फॉर पंजाब ए फॉर अफगानिया के फॉर कश्मीर इस्तान फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान उसमें से किस के तो आधा ही हमारे पास आया ना लेकिन हम उसपे कनात करने को तैयार नहीं है वी द होल ऑफ़ कश्मीर ये मसला है अब दूसरी बात यह है कि कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है उसमें थोड़ा सा स्टेप बैक करें न, ए, थ्री जून 1947 जो पार्टीशन प्लान है और 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसकी क्लॉज सेवन आप पढ़ लें और आ, वो जो है आ, थ्री जून प्लान भी आप पढ़ लें उसमें कहा गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी ना दे वुड हैव द फ्रीडम टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये प्रोग्राम 1928 से है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये एक uh, वो क्या कहते हैं पैरासाइट्स uh, हैं दे शुड बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया और एक जैसी एक सिटीजनरी uh, तैयार की जाए ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स और ये और वो ये आइडियल था सही 1928 का जॉल मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो अगर आप पढ़े तो सो इंडिया फ्रॉम डे वन दिन वांट प्रिंसली स्टेट्स टू बी इंडिपेंडेंट सिर्फ अपने लिए पाकिस्तान जो है वो मांगते हैं प्रिंसटी स्टेट को हम हाथ नहीं लगाएंगे hmm. इसी बुनियाद पर उन्होंने और तो और जोधपुर के हिंदू महाराजा को भी मना लिया कि आप देखो पाकिस्तान में आ जाओ और साउथ इंडिया में एक प्रिंसली स्टेट थी आई थिंक विजयनगर या कुछ वहां पे भी ही बस और हैदराबाद में भी इन्होंने कहा कि आप आ, या इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले hmm. हुआ क्या कि जूनागढ़ के, के नवाब ने एक्सीड कर दिया टू पाकिस्तान एंड नाउ इफ यू लुक एट दैट स्टेट दैट इज आई थिंक अबाउट टू हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम सिंध गुजरात बॉर्डर जो भी बनता है राजस्थान बॉर्डर वो उसके अंदर है इंडिया ने ये किया कि जो विदन उनके बॉर्डर है सिर्फ उन स्टेट्स को कहा कि आप ज्वाइन करें और बलोचिस्तान ने कहा जाता है गुरमानी वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया बट इंडिया डेंट एनकरेज बलोचिस्तान के अंदर द खान डिड नॉट वांट टू तो ज्वाइन पाकिस्तान उन्होंने बल्कि 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी थी और पाकिस्तान ने उसे रेकग्नाइज भी कर लिया था दिस इज ऑल ऑन रेकॉर्ड पाकिस्तान रेकग्नाइज द इंडिपेंडेंस डेक्लेन ऑफ खान ऑफ़ डेटेड ये है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर चौदह और पंद्रह की रात को हुई है ना देन थिंग्स चेंज्ड इंडियन पोजीशन वाज़ के जो स्टेट्स विद इन इंडिया है वो तो दे शुड जॉइन इंडिया और उनको उन्होंने जो टर्म्स दी उनकी पैलेसेस उनको दे दिए और उनको रूलर्स को जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनके पास रहने दी बाकी इंटीग्रेट कर लिया तो इट वाज नॉट लाइक के सारी उनकी वो ही कर ली उन्होंने उनसे पावर छीन ली लेकिन उनकी अपनी जो एक पोजिशन थी सोसाइटीज में वो कायम रहने दी थी। ठीक है इस तरह उन्होंने अपना रिजोल्व किया हमने एक्सेशन जब जूनागढ़ का कर लिया किस बुनियाद पे बिकॉज द नवाब हैड डिस दोनों के अंदर आई थिंक थ्री जून प्लान में और एटीन जुलाई इंडिपेंडेंस एक्ट में इट इज द रूलर हुइड्स ओके अब कश्मीर में क्या होता है कश्मीर इज अ बॉर्डर स्टेट विच हैड अ हिंदू डोगरा रूलर फ्रॉम जम्मू सही लेकिन टोटल परसेंटेज मुसलमान ही ओवर थी आई थिंक अबाउट सेवेंटी सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द महाराजा वर मुस्लिम्स नाइंटी फाइव टू नाइंटी एट परसेंट इन द कश्मीर वैली एंड सिक्सटी थ्री परसेंट इन इन जम्मू और लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट स्लाइटली मेजोरिटी एंड देन मुस्लिम बट उनकी शायद टू हंड्रेड थाउजेंड से ज्यादा पॉपुलेशन वेरी स्पारियाली hmm. के लिए सुननी है जो जम्मू के मुसलमान है वो ज्यादातर सुननी है उनमें तो थोड़े शिया भी है इस किस्म की कंपोजिशन है अब महाराजा एवरी बॉडी नोज वॉन्टेड टू एक्सरसाइज द राइट टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट बोथ स्टेट्स वर नाउ के ये हमारे साथ ज्यादा इनके रिलेशन महाराजा टॉकिंग टू बोथ वहां पे जो मैंने जिना वाली किताब में दिया है एविडेंस और शायद आपने अभी तक नहीं देखा उस पर भी बात करते हैं हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिमोबलाइज जो सोल्जर्स थे hmm. मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ पुंछ एरिया उन्होंने रिवोल्ट कर दिया जून और फोर्सेस तो ने उनको अटैक किया होगा इन्होंने वहां के जो लोकल हिंदू सिख थे उनको मारा जब ये हुआ हुँ. तो अच्छा मुसलमानों की दो पार्टी आप कह सकते हैं एक नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड कश्मीर वैली था शेख अब्दुल्ला hmm. और जम्मू के अंदर चौधरी गुलाम अब्बास जो के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वांटेड कश्मीर टू ज्वाइन पाकिस्तान सो दे वर हु क्रिएटेड दिस फर्स्ट ऑपोजिशन टू द महाराजा राइट जब वहां से ये हुआ तो वो भाग के फिर यहाँ जब आए तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि दे विल सेंड देर इेगुलर एंड मुजाहिदीन टू लिबरेट कश्मीर ये ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड की रात को एंट्री हुए और उनके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये आई एन ए का बहुत नाम बड़ा है ना सुभाष चंद्र बोस ये वो मैंने शो किया कि उसमें से जो उसका राइट हैंड मैन था ना जनरल हबीबुर रहमान भेजी थी Sorry. और uh, हुआ क्या ये देवर गोइंग देवर डूइंग वेरी वेल लेकिन बारामूला जो अबाउट फोर्टी फाइव किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर श्रीनगर है वहां पे ये जो पखतून गए हुए थे वजीरी और मसूद ये ये भूल गए कि ये इन्हें लिब्रेट कराने के लिए आई हैं ये पुराना ही इनको ये कहा होगा कि मालिक रिमत आपका आप चलो सही इन्होंने ट्रक भर 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 के तो वो भेजने शुरू कर दिए है टू तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हु इज द एविडेंस द हैंड पिक गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सर जॉर्ज कनिंगहम ही इज द वन हु जिना ब्रॉडबेट ही वेंट He had hmm. उन्हें ये इंसिस्ट करके लाया जब मैंने ये देखा तो मुझे यकीन हो गया सेट दैट द मैन हू लेट दिस जनरल अकबर खान थिंकल ब्रिगेडियर ही ऑल्सो राइट ये हुआ तो कश्मीर वॉज लॉस्ट क्योंकि इन्होंने वहां पे फिर रेप रूप भी किए और एक तो नंस की ननरी थी वहां पे जाके इन्होंने अटैक कर दिया बूढ़ी नर्स वो नंस को भी नहीं छोड़ा ये इन्होंने मुजाहिदीन ने तो महाराजा साहब जो है महाराजा श्रीनगर से फिर ही हैड नो चॉइस ही अपील टू द इंडियंस ही वाज टॉकिंग टू इंडियंस ऑल द टाइम ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू पाकिस्तान ऑल्सो एट द सेम टाइम होपिंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट ठीक है

मदद के लिए फौज भेजेंगे तो वो जो फौज सारी एंटर हुई है वो तो गुरदासपुर से एंटर हुई है तो अगर वो जो गुरदासपुर पहले ना दिया गया होता तो फौज कैसे एंटर हो सकती थी इसमें इसमें भी कुछ नहीं मेरे हेल्प ज्यादा नो 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 इमीजिएटली तो उन्होंने एयरपोर्ट और वहां पे एयरलिफ्ट की है ट्रूप सप्लाई द फर्स्ट इंडियंस टू कम इमीजिएटली वर एयरलिफ्टेड बिकॉज ये मुजाहिदीन जो है ये ये बारामूला के बाद ये एयरपोर्ट्स के बाहर ही रहे अगर आ जाते और कैप्चर कर लेते तो उनकी जो एयर ड्रॉपिंग हो रही थी वो भी ना हो सकती श्रीनगर एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया और दैट इज वे दे ब्रॉड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ देयर सोल्जर्स गुरदासपुर के अगर आप चाहें तो उस पर भी बात कर लेंगे बट लेट्स कंटिन्यू हेयर एंड देन कम टू गुरदासपुर के रेडक्लिफ अवार्ड क्या हुआ है ठीक है ना कनेक्ट हम कर लेंगे लेकिन वो अगर हम अब करेंगे तो एक और बात मैं करना चाहता हूँ जब ये इन्होंने वहां पे जाके वायलेंस की और उसमें कश्मीरी मुसलमान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे ये फैक्ट है अगर इंडिया तब प्लेबिसाइड करा लेता ना तो हारे हुए थे हम प्लेबिसाइड एवरी बॉडी नोस क्योंकि इन्होंने तो वहां पे खूबसूरत औरत देख के कौन सोचता है कि ये हिंदनी है मुसलमान है सिखनी है इन्होंने अपना जो अग्रेशन है वो कर दी होगी और बेत आशा लड़की वहां से उठा के बाद में पाकिस्तान के चकलों में भी बिकी है ये फैक्ट है एंड पाकिस्तान गॉट अ वेरी बैड डेम जब नंस को अटैक कर दिया क्योंकि वेस्ट की वाइट औरत को भी फिर तो वहां पे वायलेट किया गया ना तो बैड प्रेस पाकिस्तान गॉट ड्यूरिंग द कश्मीर थिंग द फर्स्ट थिंग अच्छा हमारा जो तरीका है ना कारगिल में ना कहीं हमने माना है कि हमने तो कभी अपने इन्होंने कहा हम तो इन्वॉल्व भी नहीं है तो मुजाहिदीन है इंडियंस हाउ एवर ब्रॉड एयर फोर्स उन्होंने स्ट्रेफिंग भी की बम्बार्डमेंट भी की बिकॉज देर इनको मारना है mm. तो पाकिस्तान आर्मी फिर जाके अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट में फॉर्मली कमिट हुई है टू द वॉर बट बाई दैट टाइम इट वॉज टू लेट और मे में दोनों वॉन्टेड तो सीज फायर हुई जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बनी एक और इंसिडेंट बता दू शिफ्टेड टू तो श्रीनगर टू तो जम्मू जम्मू में फिर उन्होंने अपनी आर्मी के जरिए वहां के मुसलमानों को बहुत बुरी तरह अटैक किया और 63 परसेंट जम्मू प्रोविंस का जो मुसलमान परसेंटेज था उसमें इतना हुआ कि कुछ लोग कहते हैं ट्वेंटी थाउजेंड कुछ लोग कहते हैं टू हंड्रेड थाउजेंड किल्ड बट आई थिंक द सच होगा हंड्रेड थाउजेंड मारे गए और बाकी सारे बच के फिर क्रॉस करके सियालकोट के, के जरिए पाकिस्तान आ गए right. तो ये दो है इट बिगेन्स इन पुंछ वेन द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थ्रू देयर पीपल स्टार्ट दिस वी सेंड आवर मुजाहिदीन एंड देन महाराजा क्रिएट कैरीज आउट एथनिक क्लेंजिंग ऑफ जम्मू वहां से मुसलमानों को भगाया गया अब अगर आप रेडलिफ अवार्ड पे आ जाए तो उसकी जरा स्टोरी देख लें द रेडलिफ अवार्ड एक्चुअली इज फॉर द पंजाब इज नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट द सेम एज लॉर्ड वेबल हैड

तो जो उन्होंने पंजाब का बॉर्डर बनाया ना उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है गुरदासपुर गुरदासपुर की मुस्लिम मेजोरिटी फोर्टी वन में आई ऑफ ओनली एटी फाइव थाउजेंड थर्टी वन के सेंसस में हिंदूज एंड वर इन मेजोरिटी बाई द वे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के चार तहसीलें थी गुरदासपुर बटाला पठानकोट एंड शकरगढ़ शकरगढ़ ठीक है शकरगढ़ शकरगढ़ इज ऑन द वेस्ट ऑफ रावी ये तीनों अक्रॉस उस साइड पे है हुँ। वेवल सेड के ये तहसीलें जो है शुड रिमेन विद इंडिया बिकॉज फॉर जियोग्राफिकल रीजन वॉट इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो है इट हैड फोर्टी सेवन परसेंट मुस्लिम फिफ्टी थ्री परसेंट हिंदू सिख देन इट वॉज ऑल्सो द होली सिटी ऑफ दस्ट मेन इन इंडिया लेकिन अगर अब अमृतसर आप दे देते हैं तो अमृतसर के बिल्कुल सर के ऊपर फिर गुरदासपुर बटाला और पठानकोट आ जाते हैं पाकिस्तान hmm. नीचे से लाहौर आ जाता है साउथ से सामने से शेखुपुरा और गुजरावाला आ जाता है नॉर्थ वेस्ट से सियालकोट आ जाता है तो अमृतसर इज जटिंग इन टू पाकिस्तान सराउंडेड ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द ईस्ट बाई पाकिस्तान हाँ. तो वेवल सेट के ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है ना तहसीलें ये इंडिया को जानी चाहिए रेड ने कई स्कीमें बनाई कभी ये इंक्लूड ये एक्सक्लूड फाइनली दिस इज द थिंग ही एग्रीड सिर्फ कसूर सुतलज के पास uh, uh, जो कसूर है ना वो लाहौर का uh, तहसील थी उसके तीन विलेज जो हैं आई थिंक सुतलज की दूसरी तरफ सिखों के वो uh, इस स्कीम से निकाल के उन्होंने इंडिया को दिए अब बात ये है कि इससे पहले पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने आर्ग्यूमेंट हुई थी और मुस्लिम लीग का स्टैंड था वी विल वी शुड ओनली एक्सेप्ट पॉपुलेशन जहां पर मेजोरिटी मुसलमानों की है वो मुसलमानों को दे दो hmm. लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था मुस्लिम मेजोरिटी कंटिन्यूस एरिया टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर फैक्टर्स विल बी टेकन इन टू अकाउंट राइट सर जफरुल्लाड द केस ऑफ पाकिस्तान सेट केस एंड वाला जो है ना अदर फैक्टर्स अप्लाई इन स्पेसिफिक सिचुएशन यानी वॉटर वर्क उधर है आ, ये है समझ गया सर समझ गया जो कांग्रेस और सिखों के जो थे सेतलवाद और हरनाम सिंह उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एंड जब होता है तो ये एक ही सेंटेंस होता है सो अदर फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स दे क्लेम्ड सियालकोट लाहौर वाला, शेखुपुरा साहिवाल यानी तम मंडगुमरी एंड uh, लायलपुर नाउ फैसलाबाद के यहाँ पे अगर आप देखें कि 80 परसेंट जो प्रॉपर्टी है बिजनेसेस बैंक्स, रेवेन्यू वो हम देते हैं हिंदूज एंड सिक्स और, और यहाँ की डेवलपमेंट जो हुई है ये हिंदू सिख इन्वेस्टमेंट से हुई है तो इन बुनियाद पे वो हमें दे दिए जाए ठीक लेकिन रेडक्लिफ ने ना लाहौर दिया ना अमृत उन्होंने तो सिखों ने तो कहा था कि गुरु नानक की पदाइश शेखपुरा में ये भी हमें मिले नहीं दिया तो ऑल दैट केम टू पाकिस्तान सो हु बीन अनफेयर टू हुम इज फॉर यू टू डिसाइड द रेडक्लिफ अवार्ड इज एग्जैक्टली वॉट वेवल रोट वेवल वॉज प्रो पाकिस्तान गांधी ये मेरी जिनाली किताब पढ़ लेना

उसको आर्ग्यू करते करते सर जफर और उनके जो असिस्टेंट जो चलते चलते ये लुधियाने तक पहुंच गए थे बाई कनेक्टिंग तहसील दिस विद दैट तहसील दैट शोइंग मुस्लिम कंटिन्यूस मेजोरिटीज सिखों ने क्या पोजिशन ली उन्होंने कहा जी तहसील भी कोई चीज नहीं है जैल होता है जैल होते हैं बारह गाँव उन्होंने बारह गांव वाले स्कीम लेते लेते लालपुर तक वो पहुंच गए अब ये क्या किया जाए किसकी स्कीम मानी जाए फाइनली वे डाउन बिकेम द बेसिस ऑफ द मैंने ये कहा है कि अगर तहसीलों की बुनियाद पे हमें फिरोज ये मिल जाता यार गुरदासपुर और बटाला शकरगढ़ तो हमें मिल ही गया ना लेकिन पठानगढ़ पठानकोट जहां से फिर वो आए हैं वो तो फिर भी नहीं मिलता बिकॉज देट इज सिक्सटी परसेंट हिंदू सिख And only 40% Muslim. Right. To the future of Kashmir or of any princely state was not decided yet. It had to be agreed. Had Pakistan and India not gone into this war, Kashmir could be an independent state as the Maharaja wanted. Right. Why don't you look at that possibility as well? सो so सुनाओ अब मैंने आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी ठीक है।, है सर जबरदस्त जबरदस्त सर हमारे पास वक्त थोड़ी कम रह गए मैं, मैं मौजूदा दौर की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा कि आपने हाँ अपनी जो किताब में बड़ी तफीली बात की है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है पाकिस्तान के अंदर एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम और हमने देखा कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का राइट विंग पोलिटिकल पार्टीज के साथ हमेशा से एक एक, एक गठ जोड़ा है लेकिन जो सवाल मेरे जहन में उठता है कि हमने ये भी देखे कि जब जो राइट विंग पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जो राइट विंग तबका है वही बाजा जो स्टेटस को की क़ुतें हैं जिसमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ खड़ा भी हो जाता है हमने देखा व जो पी एन ए की मूवमेंट थी भुट्टो साहब के दौर में फिर आजकल जो वो चल रहा है तहरीक लब्बैक के नाम से तो ये इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है कि, कि आपको वो साथ भी हैं लेकिन जब जरूरत पड़ी है वो उसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं यानी कि वो इतने पावरफुल हैं ये ये कैसे हो सकता है नहीं वो महल एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी क्लेवर है ना बड़ी हुई है वो उनको तब तक इस्तेमाल करती है जब तक वो आ, के जो ओपोनेंट्स को टारगेट करते रहे तो जहां लब बैक ने कुछ कहा था एक जमाने में कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार देंगे ये तो उठा के ले गए थे उनको यार इन सब को माफिया मांगे और सर इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि दुनिया भर में अगर आप देखा जाए इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और फिर अभी रिसेंटली ट्रंप बड़ी मुश्किल से निकले हैं फिर इमरान खान की भी गवर्नमेंट ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह यानी कि ये जो आपको एक राइज नज़र आता है नेशनलिज्म का और जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरी दुनिया में ये जो अभी आपने पहले बात की थी वो नाइनटीन थर्टीज की राइज ऑफ जापान और जर्मनी और रशिया वगैरह तो इसकी आपको पीछे क्या वजह नजर आती है देखें जी जब तक सोवियत यूनियन था गुड और बैड वो एक बैलेंस ऑफ पावर था और दो कंपीटिंग आइडियोलॉजीज थी इंटेलेक्चुअल्स थे या वो राइट right विंग होते थे या वो लेफ्ट विंग होते थे सही सोवियत यूनियन हो गया कलेप्स एक तो बहुत बड़ा धचका लेफ्ट को वहां मिला चाइना जो रूसियों से ज्यादा इनकलाब की बात करता था उन्होंने 1978-79 के बाद ऐसी कैपिटलिज्म रिस्टोर की कि रशिया में कभी दूर से भी कैपिटलिज्म इस तरह वो नहीं थे और अब दुनिया की सबसे मजबूत कैपिटलिस्ट इकॉनमी तो चाइना की है ना सही। तो इंस्पिरेशन कॉम्युनिज्म की जो उस जमाने में 50s सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटेलेक्चुअल्स के लिए और दुनिया को बदलने के लिए जो शायरों की और राइटर्स की थी अगर आप वो लिटरेचर देखें, वो तो इंटरनल क्लैप्स की वजह से गई ना जब चीन और रूस नेशनलिज्म की बुनियाद पे दो हो गए तो नेशनलिज्म as a disease was found even in the internationalist movements sorry uske baad jab ideologies ka daur high ideologies ka khatam ho gaya yani samuel hum p huntington is very sharp when he says ke the age of ideology was replaced by the return to the clash of civilizations. मेरी अपनी उस पर आर्ग्यूमेंट है ये एक कन्वीनियंट सी argument है क्योंकि clash of civilizations के अंदर जो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है सिविलाइज लोग कभी ऐसी जंग लड़ते हैं तो सिविलाइज हर सिविलाइजेशन के अंदर पीसफुल लोग भी होते हैं और वॉर मंगर्स भी होते हैं, तो ये सिविलाइज अब आप कह सकते हैं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है लेकिन हुआ ये है कि यार हमने इस्लामिक स्टेट जब बनानी शुरू की तो वहां पे हिंदू लॉबी ने कहा कि अगर मुसलमानों ने अपने लिए स्टेट बनाई थी हुँ. तो यहां पे इंडिया में मुसलमान क्या कर रहे हैं उनकी तो टू नेशन थेरी थी, तो इनको जाना चाहिए ना हुँ. वो तो कांग्रेस का कभी ये प्रोग्राम नहीं था मुसलमानों को निकालने का जैसे आपने भी कहा कि व्हाई डिड दे अ यूनाइटेड इंडिया बिकॉज दे बिलीव दैट एवरीबॉडी कैन लिव टुगेदर अंडर द लॉ विथ इक्वल राइट्स तो फिर हिंदू लॉबी ने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर उनको तो पता लग गया कि इलेक्शन भी इस तरह जीता जा सकता है hmm. मुस्लिम कार्ड को प्ले करके right. और हमने हमेशा के इंडिया में थ्रेटन कर रहे इस कार्ड को प्ले करके हमने कभी जमहूरियत नहीं आने दी अगर सेवेंटी में एक फेयर इलेक्शन हुआ और जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी थी तो हमने मुल्क ही अपना तोड़ दिया तो हमारा रिकॉर्ड तो इस तरह है ना फिर बाकी दुनिया के अंदर भी यही हुआ है कि इफ देर इज नो कॉम्युनिज्म व्हाट इज बेटर देन ग्लोबलाइजेशन लेस ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोबलाइजेशन वो क्या कहते हैं नेशनल इकोनॉमी को आप ए, रोक लें बंद कर लें या ओपन इसी पे बात हो रही है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो हाँ। राइज ऑफ नेशनलिज्म ये सिर्फ उसमें को कोई नया इंटेलेक्चुअल फोर्स नहीं आ सकी नहीं आ सकी उसको रिप्लेस कर किया इस, हाँ। आ, आ, इस अब अब ज्यादा बातें ह्यूमन राइट्स की होती हैं जो मॉस्को अपना वॉशिंगटन में भी हो रही होती हैं तो लाहौर में भी हो रही होती हैं और मॉस्को में भी हो रही होती हैं वो कहते हैं तुम वायलेट करते हो वो कहते हैं तुम वायलेट करते हो लेकिन इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो रही ना राइट right. इंक्लाब की बात तो अब कोई भी नहीं करता हम अगर कोई करता है तो वो लिविंग इन अ पैराडाइज ऑफ फूल्स वाली बात है ना राइट right. तो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे ठीक ठीक अजय सर एक और इस पे कमेंट करते चलें कि इसमें भी आपने बताया कि 79 में जब ईरानीन रेवोल्यूशन आता है तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा खतरा था कि कहीं वो उसके स्पिलओवर इफेक्ट्स ना हो जाए फिर देखा कि अरब स्प्रिंग को बहुत रोकने की कोशिश की गई तो दो महीने तो कि इसके असरा कुछ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के ऊपर आने वाले दिनों में पढ़ सकते हैं देखें जी ये तो बहुत लोगों को यही डर है लेकिन पाकिस्तान को अब ये खुद रियलाइज करना चाहिए देखे अमेरिका का अब एक तो उनकी कुछ जनरल्स ने भी कहा है कि वी शुड कैरी प्रॉपर इंक्वायरी हाउ कुड द तालिबान सरवाइव ऑल नॉट है बींगरिया वे कुड ऑलवेज फाइंड सेफ्टी तो अगर ये इस किस्म की उनकी पोजीशन बनी कि हमें हराने में पाकिस्तान का बड़ा हाल है रोल है तो वो तो स्कंजा कसेंगे ना और हमारे पे दो तीन पहले से ही है एफ वो क्या है यार Fertif, उस पर वी आर देयर अब उन पे हमारे पे नए लगाए जा रहे हैं वो डिस्कशन हो रही है रिस्ट्रिक्शंस यू you नो know, क्या कहते हैं उसको हाँ जी सैंक्शंस सैंक्शंस लग रहे हैं सोचा जा रहा है hmm. तो पाकिस्तान के बैकयार्ड अब किसके साथ सऊदी अरेबिया इज इन नो पोजिशन टू सपोर्ट यू वो तो खुद मॉडर्नाइज कर रहे हैं hmm. और चाइना जो है उनकी में कितनी कामयाबी हो रही है वो कितना हमसे तंग है वी डोंट नो तो पाकिस्तान now find, uh, uh, a, a, a पाकिस्तान की अपनी, we are, we मैं कहता हूँ तालिबान को ठप करो पाकिस्तान को नॉर्मल सी स्टेट बनाओ ये जो आप यार ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ले आए हैं कि कुरान शरीफ के तीस सपारे सीखने पड़ेंगे ये डज इट लीड एक्चुअली टू piety अमंग पीपल और इट लीड्स टू अनदर फॉर्म ऑफ रट्टा लगाना विदाउट रियली गेटिंग इन्वॉल्व जो चीज़ आप दिल से नहीं कर रहे हैं इम्तिहान पास करने के लिए कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी ये हमारी पॉलिसी सेल्फ डिफीटिंग है अनफॉर्चुनेटली इट्स कॉल्ड नाहलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन भाई इतना बड़ा मुल्क आपके पास न्यूक्लियर वेपन है hmm. कोई डेर नहीं कर सकता आपके ऊपर आके हमला करने का एंड नो बडी वॉन्ट्स टू डू इट बट इफ यू

हम कहते हैं पाक, पाकिस्तान बन गया है ना ट्राइट टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान एटीन अमेंडमेंट के मुताबिक जो अब ये है एक की पावर वो दी जाए बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस हो तो पाकिस्तान अगर इस पॉजिटिव तरीके से आता है वापस तो ठीक है लेकिन अगर आप तालिबान को अपना एसेट समझते हैं तो आई एम सॉरी यू आर इन्वाल्व इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन जनरल बाजवा ने आज से चंद माह पहले एक उनकी स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज नो मोर अ सिक्योरिटी स्टेट और उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की सी पैक वगैरह की बात की तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान कुछ अपना किबला बदल रहा बदल रहा है कि सिक्योरिटी से हटके इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस किया जाए या अभी बहुत साल लगेंगे हमें इस चीज में से निकलने के लिए देखें ये भी मेरी अगर किताब के आखिरी पेजेस पढ़ लें तो मैंने कहा है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक पोजिशन का जो मिलिट्री यूज है वो अब उसकी कोई ज्यादा वक्त नहीं रही और ये ग्यारह साल पहले की बात है अब तो बिल्कुल ही नहीं रही आप इसी जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट को इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर लें हुँ. और उसमें जो हमने किया हुआ है वो गलत है चाइना के साथ आप बिल्कुल अपने इन्वॉल्वमेंट करें बट वाई नॉट इंडिया भाई इंडिया के साथ हमारा झगड़ा क्या है कश्मीर वाला है ना हुँ. एक बात मैं बनाना बताना भूल गया लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड के एच खुर्शीद का नाम आपने कभी सुना है प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना फ्रॉम 1944 टू अक्टूबर 1947 सही वो जम्मू के कश्मीरी थे मुसलमान बाद में वो जम पाकिस्तान आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। hmm. ये उनकी पोजीशंस रही हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है माय मेमोयर्स ऑफ जिना आई थिंक वो आपको मिल जाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची की उसके अंदर ही सेज के कायदे आजम को के व ही रिमेंबर अबाउट कायदे आजम उन्होंने वहां पर लिखा है उसके अलावा उन्होंने चंद लोगों को जो قائداعظم के बहुत करीब थे उनका इंटरव्यू किया हम अमंग देम वाज चौधरी मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली वाज जिन्ना साहबस कॉन्फिडेंट जो हर शाम को उन्हें बुला लेते थे और दिन को जो कुछ हुआ था उनसे सुनते थे चौधरी मोहम्मद अली वाज पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव ऑन द पार्टीशन कमिटीज फॉर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की वाली जी इस पे थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से इतराज भी हुआ था कि ये तो है ही मुस्लिम लीग इनको किसी न्यूट्रल बंदे को क्यों नहीं लाए बट ही मैन ऑफ जिना एंड देन ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नाइनटीन फाइव फिफ्टी फाइव फॉर अयर टिल फिफ्टी सिक्स वो वो लिखते हैं कि बैन आई टॉक टू चौधरी मोहम्मद अली तो उन्होंने कहा कि इन दिसंबर 1947 mm. exactly 22nd december 1947 we received a message from india that you can keep kashmir if you do not interfere in hyderabad mm. chaudhry mahmundali says i went to mr jinnah and but mr jinnah did not seem to be interested mm. jinnah the great tactician इट सीम्स वॉज एमिंग फॉर सम हायर स्टेक्स एंड आई टोल्ड यू वॉट हायर स्टेक्स यॉट हैदराबाद भी आ जाएगा नवाब को कहते हैं कि तुम डिक्लेयर कर दो निजाम को और विजया नगर को भी ये बुला रहे थे जूना जूनागढ़ तो हो ही गया था ये जोधपुर को भी कह रहे थे कि आप आ जाए वो भी ना आए और कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल गया अब पाकिस्तान में ये बताना ये कहना बड़ा मुश्किल है

कि बाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूना ऑन लेट्स एंड हैदराबाद तो दोनों जगह से साबित हो गया कि ये ऑफर पटेल की तरफ से आई थी और अब कश्मीर इस तरह भी तो हमारे हाथ से गया है ओवर कॉन्फिडेंस के कश्मीर तो आ ही जाएगा हमने मुजाहिदीन भेजे हुए हैं और हमने तो काबू कर ही लेना है मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी नहीं आया और हैदराबाद के मुतल ये आप Uh, क्या नाम है उनका यार जी ए नूरानी mm -hmm. ए जी नूरानी अब्दुल गफूर नूरानी की किताब है कश्मीर पे भी है और हैदराबाद पे भी है इन विच ही डायरेक्टली सेज के जिना गिव रॉन्ग एडवाइस टू द निजाम के तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू नाउ

इन गॉर्डन कॉलेज और वो भी मैं हर वीकेंड पे आ जाता था लाहौर लाहौर में मेरी सारी दोस्ती है बचपन की दोस्ती आज तक ग्रुप ऑफ फाइव वेंट एंथनीस्ट टू ऑफ आर एंड वेरी मच इन टू थ्री आर डेड वन वी डोंट नो वो कहा चला गया Sorry. इसके अलावा मेरे कई स्कूल के दोस्त हैं जो अभी कोई अमेरिका में बैठा है कोई कुछ वो उन्होंने मुझे ट्रेस कर लिया तो आई मीन इन फिर जितना मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी बैठकें मेरी दोस्तियां वो सारी लाहौर से हैं सो इफ आई नो पाकिस्तान इट इज बिकॉज़ ऑफ लाहौर तो आई एम अ लाहौरी ये 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 मेरा सही सो सो लास्ट आखिरी क्वेश्चन 1 मिनट के अगले पच्चीस तीस सालों में आप पाकिस्तान को कहां पे खड़ा देखते हैं? मेरे से दिस इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑफ़ टर्निंग द भी कामयाब नहीं हुई साउदीज के साथ आप हो गए खुद ही अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं चाइना जो है उनका तो क्लियर है अगर वो सौ देते हैं तो सवा सौ लिए बगैर नहीं रहते तो या किसी के साथ तो सिंसियर हो जाए मगर एक नेशन का मतलब क्या होता है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है हमने तो हमेशा अपने आप को वो क्या कहते हैं रेंटियर स्टेट बना दिया है जो हमें माल लगाए उसकी हम बात करनी शुरू कर देते हैं अब आप देखें युगेर मुस्लिम पे हमारी क्या पोजीशन है क्यों वाय हम सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात करते हैं बट हम कहते हैं कि चाइना के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा हो सकता है अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन सपोज ये सच नहीं है यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फ्रांस में वो कार्टून कोई एक पागल कुछ लोग ये शरारत करते हैं तो शोर मच जाता है hmm. इंडिया में कुछ होता है तो वी आर ऑल द टाइम आप इन लेकिन वहां कहा जाता है एक मिलियन इगेर मुस्लिम्स को ये करते हैं वो करते हैं इफ दिस इज ट्रू तो हम उन्हें क्लीन चिट क्यों दे देते हैं सही। तो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान एज नेवर लर्न टू बी एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन जिस दिन इनको इनकी समझ आ गई ना hmm. कि इनकी वर्दी और इनकी फौजें जो हैं वो पाकिस्तान की मुँफ... तो तो के लिए तो हो सकती हैं अग्रेशन के लिए नहीं हो सकती और किराए के लिए भी नहीं देनी चाहिए तो पाकिस्तान विल डू वेरी वेल जब मैंने देखा है पाकिस्तानी जो बाहर आते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं अनपढ़ भी होगा तो वो छोटी बोटी अंग्रेजी कर कोर कोर के सारी दुनिया क्रॉस करके तो फिर तेर तो दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल पाकिस्तानी सेकेंड टू नॉन वेन इट कम्स टू बींग क्लेवर बट अगर आपको लीडरशिप ना दी जाए एक विजन ना दिया जाए मुनासिब कि वी आर अ लॉ नेशन जिनकी ये टेरिटरी है, इसमें ये लोग रहते हैं और उनके कुछ हकूक होते हैं और उनको पूरा करना ये एक स्टेट का रोल है अगर ये आप जिहाद करवाते फिरते हैं कश्मीर को डिस्टेबलाइज एक इंच इंडिया ने नहीं देना मेरी ये लिख लें द लाइन ऑफ कंट्रोल इज द इंटरनेशनल बॉर्डर टूडे बोरो एंड इन थाउजेंड जो मर्जी कर लो सही अगर ये समझ आ जाए तो कश्मीर का बॉर्डर भी ओपन हो सकता है पंजाब का भी हो सकता है पाकिस्तान पाकिस्तान रह सकता है इंडिया इंडिया रह सकता है जैसे यूरोपियन यूनियन है सारी गल हो जाए जबरदस्त उस जबरदस्त जबरदस्त सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का आपके वक्त देने का और जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा बहुत सी दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों ने इसे बड़ा इस्तेफादा किया होगा बहुत सी लाइन जो थी वो जगमग जगमग कर रही थी मेरा ख्याल लोग आपसे सवाल पूछना चाहते थे लेकिन फिर इन अगर आप सवाल किसी के लेना चाहें तो मैं आपके लिए आज आज की शाम आपके लिए हूं। आ, I'm, I'm नहीं, मैं, मैंने मैंने दो तीन सवाल तो ऑलरेडी मैंने शामिल किए हैं तो है इनशाला अब हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है बहुत बहुत आप ये जरूर करें कि इसकी वीडियो जो है ना वो मुझे आप भेज दें इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा सर आ, वो मुझे आप रिकॉर्डिंग भेज दें यूट्यूब पे भी लगा दूंगा ठीक है ठीक है सर सर बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जी ऑल द बेस्ट